होती है, हमें खुशी होती है। पिंडी में बनाते हो हमें खुशी होती है। 11 महीने में लाहौर में बनाने वाले शहबाज शरीफ, आप और नवाज शरीफ 2 साल कराची की ग्रीन लाइन नहीं बना सके थे। आई 3.5-4 साल में भी नहीं बना सकी, अधूरी ग्रीन लाइन का इफ्तिताह कर दिया। इसलिए कहना चाहता हूं, ये ऑनरशिप का मसला है। कोई अपना घर समझता है तो उस घर के लिए सब कुछ करता है, ये नहीं कहता कि तेरा इख्तियार और मेरा इख्तियार। 18वीं तरमीम और 19वीं तरमीम, 15वीं तरमीम और 14वीं तरमीम, अरे भाई के इलेक्ट्रिक में कौन सी तरमीम है? ये तो विफाक का सब्जेक्ट है। नून हो तो भी सपोर्ट करे, पीटीआई हो तो भी माफिया को सपोर्ट करे, पीपुल्स पार्टी हो तो भी सपोर्ट करे, एनक्यूएम सबकी गोद में हो मिलकर सपोर्ट करे, तो भाई इसमें 18वीं तरमीम कहां से आ गई? ये मदद शुमारी में 18वीं तरमीम कहां से आ गई? ये तो विफाक का सब्जेक्ट है। नून लीग ने गलत गिना, कहा गया कि दोबारा से 5% ले जाएंगे, फिर नून लीग भी चली गई, काम नहीं किया। ये पीटीआई ने किया, दोबारा मर्दुम शुमारी होगी। पीटीआई और एमपीएम का इतिहास बना और इन लोगों ने मिलकर, इन दोनों ने मिलकर मर्दुम शुमारी नोटिफाई कर दी, जारी नोटिफाई की। कौन सी 18वीं तरमीम थी, हमें जवाब तो दो। इसलिए मेरे भाइयों, बहुत लंबी फहरिस्त है, कोई कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। लंबे लंबे मैंडेट आपने दिए, देखा ये जिम्मी इंतजार हो रहे हैं, ये जिम्मी इंतजार में आवाम की दिलचस्पी भी आप देख लें। ये बेरंग बेबू बेजार का जिम्मी इंतजार कल भी हुआ, आज भी हुआ, कुछ दिन बाद भी होगा। इंतजार इस वक्त शहर का या तो बल्दियाती इंतजार है या मुकम्मल कौमी इंतजार है। हम उसी में जाएंगे और उसी में तुम्हें शिकस्त देंगे इंशाल्लाह ताला। इसलिए बल्दियाती इंतजार की तैयारी कीजिए। शहर कराची के लोगों से अपील करता हूं, ये मुझे मालूम है किसी की किसी लीडर से एफिलिएशन होती है, किसी पार्टी और उसके निशान से एफिलिएशन होती है, ये सियासी राय जरा मुश्किल से अलग होती है। लेकिन खुदा के लिए, क्या इस शहर का मसला इन तमाम जमातों में से या उनकी मकामी लीडरशिप में से कोई हल कर सकता है? आप सोचें कि कोई एमपीएम का मेयर बन गया हो, कोई पीपल्स पार्टी का मेयर दोबारा बन जाए, कोई जो पीटीआई के हाथ का जो उम्मीदवार है उनमें से कोई एक बन जाए और साथ उस मिलकर उसकी टांगे खींचने लगे, तो क्या ये कराची आगे बढ़ेगा या कराची तरक्की करेगा? जिससे भी आपका ताल्लुक हो, जिस लीडर को भी आप पसंद करें, ये आपकी राय है। हमें कराची का मसला सिर्फ जमात इस्लामी का मेयर हल कर सकता है। कराची के मसले का हल सिर्फ जमात इस्लामी है। यही राय बना रहा है। इसलिए बल्दियाती इलेक्शन करवाने की भी ये तहरीक है, अपना हक लेने की भी ये तहरीक है। पूरा निजाम तबाह है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे बच्चों के लिए आगे क्या इम्कानात है। इंटरनेशनल स्टडीज हो रही है और इनमें ये बताया जा रहा कि कराची में अगर 3 करोड़ से ज्यादा आबादी है तो 2 करोड़ लोग वो 30 साल तक की उम्र के हैं। 2 करोड़ इंसान है, इन 2 करोड़ में लोगों फेंक सकते हैं। इनमें से 48.7% नौजवान एक सर्वे के मुताबिक ये कहते हैं कि हम कराची में नहीं रहना चाहते। मेरे बच्चों, तुम क्यों नहीं रहना चाहते? तुम इंसान चाहते हैं कि हम वो नहीं है जो रोना रोते रहे,
मगरमच्छ के आंसू बहाते रहे। बार बार कहता हूं, आज भी कर रहा हूं, इख्तियार से ज्यादा काम करेंगे, बाकी इख्तियार और हक छीनेंगे इंशाअल्लाह ताला, छीनेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसलिए ये बात कह रहा हूं कि बगैर किसी इख्तियार के पहली अकाउंट से अरबों रुपए जमात इस्लामी ने दिलवाए अल्हम्दुलिल्लाह। इख्तियार के 29 दिन का धरना देकर पीपुल्स पार्टी को हमने चुकाया, सबने मिलकर हमारे इख्तियार छीने थे। ये जमात इस्लामी है जिसने नादरा की एसओपी बदलवाई, मिलियंस की तादाद में शिनाख्ती कार्ड बने। ये एक लिस्ट है, कुछ भी नहीं तो कोरोना में जमात इस्लामी